हेलो 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 हेलो, वेलकम टू लवली किचन। मैंने मास्क क्यों लगाया है आपको बताने के लिए कि घर पे भी मास्क लगा के रखी है, क्योंकि मास्क के बिना भी ज़िंदगी नहीं है। अगर आपके घर पे मेड आ रही हैं, काम वाले आ रहे हैं आना जाना, तो घर पे भी लगाइए, क्योंकि अभी न्यूज़ में ऐसी रिसर्च में बोला कि घर पे भी लगा के रखेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो सेफ नहीं है। मैं भी ट्राई करती हूँ लगाने के लिए, क्योंकि सुबह मेड आती है। अब मैं बनाने वाली झटपट फटाफट वाला उपमा, जो कि मेरे स्टाइल का, जैसा मैं खाती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मैं सारी चीज़ें ऐसी बताती हूँ जो मैं खाती हूँ, सिंपल वाला, सादा वाला, झटपट, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो फटाफट कैसे बनाने, चलिए सीखते हैं मेरे स्टाइल का उपमा, जिसको सेमोलिना सूजी का उपमा, चलिए बनाती हूँ कैसे फटाफट। देखिए, यह मेरा पानी बॉयल हो गया, ये मेरा पैन गर्म है। देखिए, थोड़ा सा तेल लिया है, झटपट बनाऊंगी मेरा वाला उपमा, कैसे बनाती हूँ सीखिए फटाफट। ये कुछ कुछ चीज़ें मैं सारी चीज़ें वही बताती हूँ जैसा मैं खाती हूँ। ये देखिए, ये सूजी है, मैंने सेमोलिना को ऐसा भून के रख लेती हूँ, कच्चा नहीं है ये, भुना हुआ है, तो जल्दी बनता है, झटपट बनता है। अब मैंने लिया, देखिए, इसमें थोड़ा सा अदरक, धनिया, कड़ी पत्ता, मिर्ची और राई, राई के दाने, इससे बनेगा मेरा उपमा झटपट फटाफट। पानी को कर देते हैं साइड में। अब मैं देखिए कैसे बनाती हूँ। अब मैं डाल दूंगी इसमें अपनी राई, साथ में अदरक, साथ में कड़ी पत्ता, सब कुछ साथ में। थोड़ा सा अदरक ज़रूर डालना होता है, मुझे अदरक बहुत, अदरक का टेस्ट ना उसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ। ठीक, अस्मिता इधर, ए अस्मिता इधर, देख गिर गया सब, पकड़ो जल्दी, उठा फोन, तेल भी लग गया मेरे को, गिरा थोड़ा, चल फोन हिल गया, दे उठा दे, फिर से कर दो तू ये, इसमें ज़रा सा अदरक को डाल, आती साफ कर दो नीचे, उसको धो दे, फिर से आती हूँ। इतना देख के कपड़ा मार, हिल गया ये, आजकल स्टैंड हिलने लग गया। चलिए चलिए, मेरा अदरक कड़ी पत्ता सब रेडी। आज मुझे ये बनाते बनाते आपको एक बात भी शेयर करूँगी, अभी मेरा कुछ गड़बड़ हो गई थी, बनाने के बाद बताती हूँ क्या। अब डाल देंगे इसमें अपना सेमोलिना रवा, ये भुना हुआ है, इसके लिए भूनने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट बस भूनेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अपना पानी। ये मेरी सबसे फेवरेट डिश है। आप लोग पूछते हैं क्या नाश्ते करने हैं, कैसे पतले रहना है, क्या करना है, मैं यही चीज़ें खाती हूँ, और सब लोग जो देखते हैं बस यही खाया कीजिए। मैं बहुत बार शाम को भी यही नाश्ता करती हूँ, सुबह भी यही खाती हूँ, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना, बस सादा सा बनाइए और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब ये भुना हुआ है, इसके लिए हमको इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम ऐड कर देंगे बस अपना पानी, और धनिया भी अभी इसमें साथ में ही डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अपना पानी। ये 1 गिलास पानी होगा इसमें बस। 5 मिनट के लिए इसको ढकेंगे, और थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया, देखिए लगेगा तो इसके ऊपर से 2 मिनट के बाद और डालूँगी, इसको भी हम 5 मिनट के लिए ढकेंगे। इतनी देर वेट करते हैं, अगर आपको लग रहा है पानी और डालना तो डाल दीजिए। देखिए अभी डाल दूंगी इसमें मैं थोड़ा सा पानी और,
इस समय आप नमक चेक कर लीजिए और एकदम स्लो गैस करके एकदम स्लो गैस पे इसको ढकेंगे ओनली 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद में हो जाएगा उपमा रेडी। चलिए चलिए हो गया मेरा उपमा रेडी। ओपन करते हैं ढक्कन। ऐसे आपको सीखने हैं बिना नाप के अंदाजे से बनाना। देखिए एकदम परफेक्ट पूरा बन गया। गैस कर देंगे बंद और करते हैं इसको झटपट प्लेट और घी डाल के इसको खाएंगे। देखिए घी को हमेशा ऊपर डाल के खाना, मैं हमेशा बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ। सब्जियों के अंदर घी डाल के मत पकाया कीजिए, ऊपर से ऐड किया कीजिए। ये देखिए कितना सुंदर प्यारा सा। चलिए चलिए धुआंदार उपमा रेडी। थोड़ा सा इसमें डालूंगी घी, क्योंकि घी के बिना उपमा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा घी डालेंगे तो साथ में लेंगे थोड़ा सा अचार और चाय और खाइए झटपट फटाफट वाला ऐसा उपमा, मेरे स्टाइल का उपमा। मैं आज सुबह का नाश्ता ये करने वाली हूँ, आपको बता दिया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और आज मेरे वीडियो में एक एक्सीडेंट मेरा हो गया, जो कि मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें आपको बता रही हूँ। और देखिएगा कभी कभी ऐसे भी सीन हो जाते हैं, कुछ गिर जाता है, कैमरा भी गिर जाता है। आज ऐसी गड़बड़ होगी तो मैं उस वीडियो को हटा नहीं रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।